पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में आज तीसरे दिन भी IGIMS एम्स और दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। पेश है एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला पूरे देश में गर्माता जा रहा है। हालांकि मामले की जांच अब CBI ने शुरू कर दी है, मगर फिर भी कई एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। इसके कारण आज राजधानी पटना के एम्स और IGIMS में ओपीडी सेवा बाधित है। ओपीडी सेवा बंद होने से बड़ी संख्या में मरीज प्रभावित हुए हैं। स्ट्राइक में ये है कि इमरजेंसी सेवा जो है, आकस्मिक सेवा है और ICU सेवा है, वो बहाल रहेंगी। उसके अलावा जितने भी OPD सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी, इलेक्टिव OTs बंद रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर अपना कार्य, अपनी सेवा नहीं देंगे, कार्य का पूर्ण बहिष्कार है। एक तो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट डिपार्टमेंट में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तोड़फोड़ हो रहा है। ये तोड़फोड़ जस्ट CBI को हैंडओवर करने से पहले किया गया है। CBI आज जाके वेंसडे को इंस्पेक्ट करेगी और केस हैंडओवर लेगी। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि सबूत मिटा दिया जाए, तो ये रोकना चाहिए, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। दूसरा, जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, जो प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट के अंडर जाकर रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने के एक दो दिन के अंदर ही उनको रीअपॉइंट किया गया है एज प्रिंसिपल इन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता अंडर द सेम यूनिवर्सिटी। तो ये तो हमारे हिसाब से प्रमोशन है। जिस कंडीशन में हम लोग काम करते हैं इमरजेंसी में, जिस तरह से भी ये है, कोई भी आके किसी भी तरह से थ्रेट करके चले जाता है। अभी आप सुने ही एक इंसिडेंट, आगे एक गन निकाल लिया कि ट्रीटमेंट करना है, वरना पेशेंट किस स्टेटस में आया है, क्या है, वो एसेस करने में जो भी ये लगता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। इमरजेंसी ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दिक्कत है। पर जो भी वहाँ पे भी, जो कोलकाता आरजीकर में आप लोगों ने सुना, वहाँ पे एविडेंस टैम्परिंग हुआ है। जैसे ही CBI को केस हैंडओवर हुआ, रातों रात सारा रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, सारे एविडेंसेस वगैरह जो भी मिटाने का कोशिश किया जा रहा है वहाँ पे। तो जितना जल्द से जल्द इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे एक्शन लिया जाए, यही हमारा डिमांड है। पटना के साथ ही दरभंगा के DMCH में भी अभी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। DMCH में केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि मधुबनी, सीतामढ़ी, जयनगर, समस्तीपुर और नेपाल के लोग भी इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में दूर से आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहां इमरजेंसी सेवा अभी चल रही है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सरकार से उन्होंने 5 मांगे की थी, इसमें से केवल एक मांग CBI जांच की मानी गई है। जब तक डॉक्टरों की सुरक्षा का लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता, तब तक डॉक्टर अनिश्चितकाल तक हड़ताल पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।